की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज के इस हमारे कार्य समिति के समापन समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील, संवेदनशील और मेहनती अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, हमारे बहुत ही प्रिय और महाराष्ट्र की जनता के दिलों में बसे हुए ऐसे हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री भाई देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो मेरे साथ दिल्ली में संगठन का काम देख रहे हैं, आपके ही बीच से विनोद तावड़े जी, हमारे प्रभारी श्री सीटी रवि जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और यहाँ के संगठन की देखभाल करने वाले ऐसे हमारे शिवप्रकाश जी, आज जिनका आपको मार्गदर्शन मिला, हमारे महामंत्री तरुण चुग जी, भारत सरकार में मंत्री हमारे नारायण राणे जी, हमारे राव साहब दानवे जी मंत्री भी और पूर्व में अध्यक्ष भी, बहन विजय राहतकर जी राष्ट्रीय मंत्री, बहन पंकजा मुंडे जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री, सुनील देवधर जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष और मेरे साथी श्री आशीष शेलार जी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मेरे बहुत पुराने साथी सुधीर मुगंटीवार जी, जिनके साथ मैंने युवा काल में काम किया और अभी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, जय भान सिंह पवैया जी सह प्रभारी, गिरीश महाजन जी जो हमारे मंत्री हैं, सम्मानित मंच, यहाँ जिनके साथ मुझे कैबिनेट में काम करने का मौका मिला ऐसे हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर जी, हमारे राम नायक जी, सांसदगण, हमारे वरिष्ठ सांसदगण, विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, जिला परिषद के अध्यक्षगण, मंडल और मोर्चों के अध्यक्षगण, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी बंधु, आज इस समापन समारोह में मुझे आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिला है। सबसे पहले तो जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया और आप जिस जोश और ऊर्जा के साथ मैं देख रहा हूं, उसके लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मुझे आज महाराष्ट्र की धरती पर आने का मौका मिला है, जो संतों की भूमि है, जो वीरों की भूमि है, जो सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपना जीवन लगाकर सामाजिक चेतना जगाने की धरती है और सांस्कृतिक उत्थान के दृष्टि से काम करने वाले हमारे संतों की भूमि को मैं नमन करता हूं और अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज दिन भर आपने पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उनके छत्रपति और उनके राज्याभिषेक के समय से लेकर 350 साल पूरे होने पर सुधीर मुगंटीवार जी के द्वारा योजना के बारे में आप लोगों ने आज चर्चा की है। बाद में शिव प्रकाश जी ने आपके सामने बूथ सशक्तिकरण के बारे में भी चर्चा की है और हमारे तरुण चुग जी ने आपके सामने रूपरेखा रखी है कि 9 साल में 30 मई से लेकर 30 जून तक आप किस तरीके से संगठन के काम को चालना देंगे और साथ ही साथ फिर आगे आपने महाराष्ट्र के विकास के लिए जो एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और हमारे शिवसेना की जो सरकार है, उसने जो कार्य किए हैं उसके बारे में एक आपने प्रस्ताव भी पारित किया और आपने सरकार का अभिनंदन भी किया, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। बाद में देवेंद्र जी ने आपके सामने रूपरेखा रखी कि किस तरीके से वो सरकार को चला रहे हैं और किस तरीके से सामने वाले के विचार और आचार, यानी आचार विचार दोनों किस तरीके से कमजोर होते जा रहे हैं, और अगर वैचारिक पृष्ठभूमि पर देखा जाए तो हिपोक्रेटिक वर्ल्ड की दृष्टि से देखा जाए तो वह धाराशाही होते जा रहे हैं और अपने ही कहे बातों पर वो गिरते चले जा रहे हैं, वो टूटते चले जा रहे हैं।
मित्रों, हम जब महाराष्ट्र की चर्चा करते हैं तो मुझे हमेशा, क्योंकि मैं बीजेपी की हिस्ट्री को जब देखता हूं, तो मुझे मुंबई का वो अधिवेशन के अटल जी के वाक्य याद आ जाते हैं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, वह कमल खिलता हुआ मैं देखता हूं। इसलिए ऐसे महाराष्ट्र में जब मुझे आने का मौका मिलता है तो नई ऊर्जा भी आती है, नई ताकत भी आती है। कल से मैं महाराष्ट्र के प्रवास पर हूं। मुंबई में हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए, बूथ पर जाने का भी मौका मिला, पन्ना प्रमुख से भी मिलने का मौका मिला, अगाड़ी के हमारे सदस्यों के साथ भी मिलने का मौका मिला, कई विषयों के बारे में चर्चा हुई और उनके साथ हम लोगों ने बहुत से विचार वो आत्मसात किया। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि अभी ये समापन का सत्र है और आप सब लोग अपने अपने घर जाएंगे और काम में जुटेंगे, लेकिन मैं हमेशा सब लोगों से कहता हूं कि हम पॉलिटिकल प्राणी हैं, हम राजनीतिक प्राणी हैं, और राजनीतिक प्राणी सिर्फ लीक पर चले यह आवश्यक नहीं है। उसके मन का, अंतःकरण का विचार हमेशा जागृत रहना चाहिए, हमेशा उसको सोचना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि जब आप अपने अपने घरों की तरफ अग्रसर हों तो इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा कि चार चार पीढ़ियां खप गई, मंजिल दिखती थी लेकिन मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन पहुंचने में रास्ता कितना कवर करना था इसका उनको अंदाजा रहता था। आज जब आप अपने घर को जा रहे हैं तो आप मंजिल हासिल करके जा रहे हैं और मंजिल को लेकर के आप जा रहे हैं, ये आपको समझ। अब जब तक आप ये अंतर नहीं समझिएगा, क्योंकि होता क्या है, जब उजाला आ जाता है तो अंधेरे की कीमत नहीं समझ में आती या अंधेरे की कमी समझ में नहीं आती। अगर अंधेरे को याद रखोगे तो उजाले को हमेशा संभाल के रखोगे, इस बात को समझना चाहिए। इसलिए उन चार पीढ़ियों को नमन करते हुए आज हमको, हमारे पीछे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, मेरी भी 40 साल की जीवन राजनीतिक जीवन गुजर गई, 25 साल तक तो हम भी कहीं सरकार के नजदीक नहीं दिखते थे इस यात्रा में, लेकिन आज हमारी सरकारें हैं और एक नहीं 15 सरकारें, आज 303 एमपी हैं, 93 हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, मैं 2012 से राज्यसभा का सदस्य हूं, प्रकाश जी हमारे साथ हैं। हम कहां से चले थे, 30 से चले थे, आज हम 93 हैं, 1385 हमारे एमएलए हैं, 100 से ज्यादा हमारे मेयर हैं, हजारों में हमारे पंचायतों के अध्यक्ष हैं, बड़ी संख्या हमारी खड़ी है। और यह विचार, कमल के प्रति समर्पण देख करके भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए हम इस तरीके से खड़े हैं। मैं आपको यह याद क्यों दिला रहा हूं, इसलिए दिला रहा हूं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, और मैं कल से इस बात को कह रहा हूं और मैं बार बार कहना चाहता हूं। देखिए, आज विरोधी भी प्रधानमंत्री मोदी जी के किसी भी तर्क को काट नहीं पाते। ये ठीक है, उनको बौखलाहट होती है, गुस्सा आता है, जिस तरीके की शब्दावली वो उपयोग करते हैं वो उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन वो उनकी नीतियों को, वो जो अकाट्य हैं उसको कोई काट नहीं पाता। आज दुनिया में, हम भारत नहीं, भारत अब दुनिया में एक स्थान लेकर के खड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी जी एक शख्सियत लेकर के खड़े हैं, इस बात को हमको समझना चाहिए। बातें बड़ी छोटी हैं लेकिन मैं हमेशा याद दिलाना चाहता हूं। 100 बार मोदी जी विदेश गए, 60 कंट्रियों का दौरा किया, अगर वो पैलेस्टाइन गए, अगर वो इजराइल गए तो पैलेस्टाइन भी गए, अगर वो कहीं और भी गए तो सारे देशों को कवर किया। 20-20 साल तक नेपाल नहीं गए थे हमारी सरकार, 20-20 साल तक हमारे पड़ोस में श्रीलंका नहीं गए हम, और आज अगर नेपाल में भूकंप आता है तो नेपाल की सरकार से पहले भारत सरकार मदद के लिए पहुंचती है, यह बदलकर दाव देता है।
आज अगर श्रीलंका में कोई आर्थिक तंगी आती है तो भारत दोनों हाथ फैला करके उनके मदद के लिए तैयार मिलता है। और अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की दृष्टि से बोलूं तो आप देखिए, इससे पहले कि G20 की बाली की बैठक में क्या बोला था प्रधानमंत्री ने कि यह युद्ध का वक्त नहीं है और इसको दुनिया ने सकारा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज भारत की छवि किस तरीके से बनी है, और हम भाग्यशाली हैं कि वह नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी। मैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की दृष्टि से बात करता हूं, अमेरिका का जब भी प्रेसिडेंट बात करते थे तो बोलते थे इंडिया एंड अमेरिका। यह राजनीतिक भाषा थी और यह राजनयिक भाषा थी, यह कूटनीति की भाषा थी। अगर रशिया बोलते थे तो इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी जहां इंडिया वहां पाकिस्तान, जहां इंडिया वहां पाकिस्तान, इंडिया-पाकिस्तान। अगर यूरोप का कोई देश आता था बोलता था यस इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी ये दोनों बराबर के देश हैं। 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी इंडिया के साथ पाकिस्तान को नहीं जोड़ता, इंडिया इंडिया निकल गया, पाकिस्तान रह गया जहां रहना है। दिस इज द डिफरेंस। और ये मैं कूटनीति की भाषा बता रहा हूं, राजनीतिक भाषा बता रहा हूं, राजनयिक भाषा बता रहा हूं, जो एम्बेसडर्स इस्तेमाल करते हैं वो भाषा मैं बता रहा हूं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इंडिया और पाकिस्तान अब हम कर नहीं सकते, इंडिया की ताकत कहां पहुंच गई। आज अगर हम, अभी चर्चा हो रही थी, बहुत से विषयों के बारे में चर्चा हुई, लेकिन हां इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने ब्रिटेन जिसने हमको 200 साल राज किया उसको भी हम पछाड़ करके अब पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने पूर्व प्रधानमंत्री कैमरून भाषण में कहता है टाइम इज नॉट फार व्हेन वी विल हैव अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन, और टुडे ऋषि सुनक इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इससे भी आगे बढ़िए, ऋषि सुनक क्या कहते हैं, ऋषि सुनक कहते हैं टाइम इज नॉट फार व्हेन इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। कभी सोचा था भारत ने कि 400 एयरबस और बोइंग की ऑर्डर करेगा, कभी सोचा था? ये आर्थिक जगत की बात करो, मैं आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि कांग्रेस के लोगों के साथ चर्चा करना बेफजूल है क्योंकि उनको पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं, उनको कोई इकोनॉमी से मतलब नहीं है, बोलने के लिए बोलते हैं, कोई उनका उनसे कोई लेना देना नहीं। 400 एयरबस एंड बोइंग का ऑर्डर दिया भारत ने, 400 प्लस, मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं है, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने क्या कहा, दिस विल गिव अस एम्प्लॉयमेंट इन अमेरिका। ऋषि सुनक ने क्या कहा, दिस विल द टाइम इज नॉट फार व्हेन इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारे मैक्रोन ने कहा थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यू हैव गिवन अ न्यू बूस्ट टू अवर इकोनॉमी। ये परिवर्तन, और इसीलिए हम पांचवीं लार्जेस्ट व्यवस्था बन गए। कल भी मैंने चर्चा की थी, मोबाइल 92% हम बाहर से खरीदते थे, आज 97% मोबाइल भारत बना रहा है, अब एप्पल भी भारत में बनने लगा है। स्टील में हम चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। जापान में ऑटोमोबाइल में जाना जाता था, आज हम थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन गए हैं उस दृष्टि से। तो इसलिए अगर हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखें, अब मैं आपके सामने सिर्फ क्योंकि आप सब लोगों को ये सब याद रखना चाहिए, अभी हमारे कांग्रेस के लोग इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बोलते हैं, जैसा हम देख लें इन्फ्लेशन दुनिया में, देखिए मंदी आई, कोरोना की मार सबको पड़ी, लेकिन भारत अपनी नीतियों से आगे निकल गया। मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदल डाला, और इसको हमको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि हम राजनीतिक प्राणी हैं, हमको इनकी गहराइयों में जाना पड़ेगा। आप देखिए इन्फ्लेशन की दृष्टि से, डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन, रशिया इन्फ्लेशन रेट 11.8%, इटली 10%, यूनाइटेड किंगडम 10.1%, ऑस्ट्रेलिया 7.8%, इंडिया 6.52%। आप देखिए जीडीपी में चाइना की ग्रोथ 3.2%, फ्रांस की ग्रोथ 2.5%, जर्मनी 1.5%, यूनाइटेड किंगडम 3.6% और इंडिया 6.8%।
यानी जो इकॉनमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो डबल डिजिट में होती थी, जो चाइना डबल डिजिट में होता था, 3.2 पर खड़ा है, 1.6 पर खड़ा है और इंडिया 6.8 पर खड़ा है। अब मैं कांग्रेसियों को क्या बताऊं, उनकी दृष्टि तो ठीक कर सकता हूं, विजन तो नहीं दे सकता ना, किसको बताऊं। लेकिन हां, हम सब लोगों को इन बातों को समझने की जरूरत है। अब देखिए, रेलवेज की बात करें, आप बताइए, रेलवेज में बजट 800% बढ़ा, 800% बढ़ा है, 800%। उसी तरीके से नेशनल हाईवे में 7 times इंक्रीज हुआ है। आपके यहां ही अभी मैं मुंबई से आया तो मुझे शेलार साहब दिखा रहे थे कि ये देखो, ये सीलिंग से यहां पर से ये निकल रहा है, वहां से कोस्टल रोड निकलेगी, इधर से ये निकलेगा, उधर से वो निकलेगा। नेशनल हाईवे कोई शिरडी से जोड़ा जा रहा है, कोई नागपुर से जोड़ा जा रहा है, कोई 701 किलोमीटर है, कोई 15,500 करोड़ रुपए का है, कोई 55,500 करोड़ का है। कभी सोचा था कि महाराष्ट्र ये शब्द सुन पाएगा, 55,000 करोड़? मैं जब एमएलए था तो हमारे यहां जब कोई फंक्शन होता है, राजनीतिक फंक्शन, तो जो फंक्शन में जो भोज दिया जाता है उसको धाम बोलते हैं। तो कांग्रेसी क्या करते थे, एक काम 5 धाम, मतलब एक ही काम पर 5 बार धाम लेते थे। लोगों को जोड़ना, बोलना यहां से सड़क निकलेगी, एक धाम हो गई। जब इंजीनियर को भेजना तो दूसरी भोज कर लिया, यानी भोज ही करते रहते थे, काम नहीं करते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी में जिस सड़क पर बात करो, 18,000 करोड़ रुपए, मेट्रो के लिए बात करो, इतने हजार। अब पुणे में भी मेट्रो आ रही है कि नहीं आ रही? आ गई, थ्रू है। अब ये जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, इन डेवलपमेंट के इश्यूज को भी हमको सामने रखने की आवश्यकता है। 70 साल में 74 एयरपोर्ट और 9 साल में 74 एयरपोर्ट, ये है डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमको समझना है। एक समय में डिफेंस मिनिस्टर ये कहते थे यूपीए के कि बॉर्डर रोड्स को डेवलप न करना, यही हमारी डिफेंस की स्ट्रेटजी है। और मैं तो पहाड़ों से आता हूं, कन्वॉय चलता था हमारे फौजी भाइयों का, आपके भी महाराष्ट्र से हमारे रेजिमेंट के लोग जाया करते थे। 300-300 गाड़ियां, 3 टनर, 1 टनर, 2 टनर, आगे लाल झंडा, पीछे आगे हरा झंडा, पीछे लाल झंडा, लास्ट व्हीकल पर लगा हुआ। एक छोटा सा ब्रिज होता था, 4-4 घंटे लगते थे, एक तरफ से पास दिया जाता था तो वो 400 गाड़ियां निकलती थी, तब दूसरी तरफ से किसी को जाने दिया जाता था। आज 1,000 किलोमीटर की सड़क डबल लेन विद डबल ब्रिज फैसिलिटी के साथ खड़ी है, यह बॉर्डर रोड पर 7-8 घंटे के अंदर हम बॉर्डर पर पहुंच सकें, यह स्थिति आई है। और उसके लिए 43% बजट का इंक्रीज किया गया है। तो मैं ये सारी बातें आपके सामने, वंदे भारत ट्रेन की बात करूं तो शोलापुर मुंबई, मुंबई सायनगढ़ शिरडी नागपुर बिलासपुर, ये और वंदे भारत ट्रेन नहीं है, ये भारत के नए भारत का एस्पिरेशन का रूप है जिसको हमको देखना चाहिए, उसका वो स्पिरिट। तो ये जो डेवलपमेंट है सारी, यह डेवलपमेंट किसके द्वारा हुई है, उसके कौन पार्ट एंड पार्सल है, उसको करने वाले हमारे मोदी जी हैं। अगर हमारे यहां देवेंद्र फडणवीस हैं तो हम कार्यकर्ता हैं जिसके समय में वो काम हो रहा है, इसका भी हमको श्रेय लेना चाहिए, इसको भी हमको समझना चाहिए। अब जहां तक महाराष्ट्र की बात है, मैंने उसके बारे में बहुत सी चर्चाएं सुनी देखी की, लेकिन हां, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों ने भी विकास के दृष्टि से एक बहुत बड़ा कार्य को आगे बढ़ाया है। लगभग 225 प्रोजेक्ट्स को आप लोगों ने 2,00,000 करोड़ रुपए के दृष्टि को लग करके उसको आगे बढ़ाया है। मुंबई के मैं बात कर रहा था, कल मैंने देवेंद्र जी को से चर्चा की तो पता चला कि 38,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मुंबई में डेवलप किए जा रहे हैं। 160 किलोमीटर की कॉन्क्रीटाइजेशन हो रही है, यानी विकास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पर्यायवाची बन गया है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और आज आपने ये जो महाराष्ट्र सरकार को बधाई दी है, यह बधाई अपने आप में बताता है कि लगभग 20 ऐसी योजनाएं हैं, 20 योजनाओं हैं जो केंद्र सरकार के तर्ज पर महाराष्ट्र की सरकार ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा,
इनके लिए करने का योजन बनाया है। इसके लिए मैं भी महाराष्ट्र सरकार को बधाई देता हूं, तो जिस दिलेरी के साथ उन्होंने काम किया है और जिस दिलेरी से उन्होंने सारी बातें रखी हैं। मित्रों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा। हमसे लोगों की बहुत बड़ी आशा है और हम बदलाव के उपकरण हैं, इसलिए हमको अपने आप में आत्मचिंतन करते हुए लोगों की आशाएं और आकांक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 7 सूत्र भी हमारे सामने रखे हैं। उन 7 सूत्रों को मैं जरूर आपके सामने दोहराऊंगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा सेवा भाव। और मुझे खुशी है कि कोरोना में सारी पार्टियां लुप्त हो गई, सारी पार्टियां क्वारंटाइन में चली गई, सारी पार्टियां आईसीयू में चली गई। ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता थे जिन्होंने करोड़ों की सेवा की, सेवा ही संगठन के नाम पर, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन ये सेवा भाव हमारा जागृत रहना चाहिए, हमेशा जागृत रहना चाहिए। हमें संतुलन बैठा करके काम करना चाहिए, हमें संयम रखना चाहिए। अगर हमने परिवर्तन लाना है तो हमें अपने आप में संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें समन्वय रख करके चलना चाहिए और हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, संवेदना से भरी होनी चाहिए और संवाद हमेशा बना रहना चाहिए। अभी देवेंद्र जी कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम सब लोग बातें तो बहुत करते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन संवाद कितना हो पाता है इसके भी हमको गहराइयों में जाना चाहिए और इसको भी हमको समझ करके आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये 7 मंत्र हमारे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को एक रूप से उनकी पहचान है, कार्यकर्ता की पहचान है। हमारा कार्यकर्ता एरोगेंट नहीं हो सकता, हमारा कार्यकर्ता न सुनने वाला नहीं हो सकता, हमारा कार्यकर्ता सिर्फ अपनी बात रखे और चला जाए ये संभव नहीं है। मैं कई बार देखता हूं मीटिंग में आए, अपनी बात कही, अच्छा मैं चलता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को परिवर्तन का माध्यम बनना पड़ेगा और उसके लिए गहराई से इन 7 मंत्रों को अपने साथ आत्मसात करके चलना पड़ेगा। ये मैं जरूर आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। दूसरी बात, आप सब लोगों ने बहुत से योजन प्रयोजन की बात की है, मैं उस योजन प्रयोजन के बारे में जरूर आपको कहना चाहूंगा। और वो ये कहना चाहूंगा कि अभी अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ी योजना बनाई है कि 60,000 घर से हम सरल ऐप पहुंचाएंगे हर विधानसभा में। उन्होंने ये भी बताया है कि नए मतदान बूथ पर 50 नए मतदान को हम जोड़ेंगे और लगभग 25 हम जो हमारे प्रवेश है उसको बूथ पर हम आगे जोड़ेंगे। इस तरीके का उन्होंने बात को कहा है और उसको आगे बढ़ाने की बात कही है। लेकिन मैं इसमें से एक निवेदन जरूर आपसे करना चाहता हूं और आप सब से करना चाहता हूं कि हमारा व्यक्तिगत कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। कभी हमने इस बात को सोचा? हमारी पार्टी बहुत बड़ी होगी। देखिए, हमको कभी रिजल्ट की चिंता नहीं है, रिजल्ट हमारे पक्ष में ही आएगा, आगे हम ही बढ़ेंगे, इस पे हमें कोई चिंता नहीं है, ये मैं जानता हूं। लेकिन मुझे दूसरे की कमजोरी पर हम आए, इससे अलग हट करके अपनी मजबूती पर हम आएंगे, इस बात के लिए हमको काम करना। मुझसे पत्रकार पूछते हैं वो मिल जाए तो, मैं कहता हूं सारी दुनिया मिल जाए तो भी हम जीतेंगे, ये हमारी ताकत है, ये हम जानना चाहते हैं। इसके लिए हमने कोई योजना बनाया है क्या? मैं कल भी कह रहा था, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता मैंने देखे, उनकी जीवन बीत गई, 5 कार्यकर्ता नहीं जुड़ पाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मैं अध्यक्ष जी को मैंने कहा कि आपने इतनी बड़ी सब कुछ बनाई है, क्या सक्रिय कार्यकर्ता अपने अगले साल तक 10 कार्यकर्ताओं को जोड़ सकता है? जोड़ सकता है? जोड़ सकता है?
मैं इसको मॉनिटर करूंगा हर सक्रिय कार्यकर्ता के साथ। 10 नाम और 10 समाज के नाम अलग अलग होने चाहिए, एक ही समाज का नहीं होना चाहिए। महिला भी चाहिए, युवा भी चाहिए, हर एक जाति से चाहिए, ओबीसी भी चाहिए, दलित भी चाहिए, ट्राइबल भी चाहिए। ऐसे 10-10 नाम हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं। अब देखिए, आपको ही खुशी होगी, आपको फख्र होगा जब वो कहेगा कि मुझे फलाने राम जी ने हमारे को पार्टी से जोड़ा था और मैं आज दिन तक पार्टी से जुड़ा। मैं ये आपको आह्वान करना चाहता हूं कि आप इसको जरूर कीजिए। अध्यक्ष जी अगर इसको जोड़ेंगे अपने प्रोग्राम में तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं। देखिए, हम लोगों ने खुश हो जाना या संतुष्ट हो जाना ये हमारे स्वभाव में नहीं है। ना हम रुकेंगे, ना हम संतुष्ट होंगे, हम आगे के आगे लक्ष्य रखते ही चले जाएंगे। जिस दिन पन्ना प्रमुख सरल ऐप में आ जाएगा, आज 10,40,000 बूथ हैं, हम 7,80,000 तक पहुंचे, 8,40,000 तक पहुंचे हैं, हमें 10,40,000 तक पहुंचना है। लेकिन 8,40,000 बूथ पर भी अगर पन्ना प्रमुख बन गया है तो पन्ना समिति बनाने के लिए हमको आगे बढ़ चलना है और उसको हमको पूरा करना है। हम रुकना नहीं, हमें आगे बढ़ना है। और मैं संगठन की बात कर रहा हूं, राजनीतिक मुद्दे मैंने आपके सामने रख दिए। हमारा विरोधी भी हमारा काट नहीं कर सकता, हमारा विरोधी भी हमको उस दृष्टि से नहीं देख सकता। और क्या बात करूं आपके महाविकास अगाड़ी की और इन लोगों की, मैं क्या चर्चा करूं। आप बताइए, 2.5 साल में इन्होंने विकास के काम रोके कि नहीं रोके? आप बताइए, क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम एक एक गांव में जाके बताएं कि MVA के आने का मतलब है महाराष्ट्र का नुकसान और NDA का आने का मतलब है महाराष्ट्र का विकास और उत्थान। ये बात हमको बतानी होगी। क्या हम तर्क के साथ इसको रख नहीं सकते? देखिए, पॉलिटिकल लीडर वही है जो एजेंडा सेट करता है। पॉलिटिकल लीडर वो नहीं है जो एजेंडा सुन करके उसमें अपने आप को समावेश कर लेता है। हमें मालूम है कि हमारे विरोधी हमारे बारे में 4 बातें करेंगे, लेकिन हमको एजेंडा सेट करना है। अब आपको मैंने इन्फ्लेशन के बारे में बात की, हमारा विरोधी कैसे खड़ा होकर के बात कर सकता है? आज तक किसी प्रधानमंत्री ने रोजगार मेला लगाया? आज तक किसी ने किसी को 75,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स दी? क्या ये हमारी बुलंदियां नहीं है? क्या हम लोगों ने, हमारे नेता ने काम नहीं किया? इसको आगे बताना हमारा काम है कि नहीं? आप बताइए ना, किसी ने भी किया? और कहा है कि 10,00,000 सरकारी नौकरियां अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में थमा करके देंगे, ये इस बात को हम पूरा कर रहे हैं। और हमारे सामने वो लोग बात करते हैं जिन्होंने 30 साल की राजनीति गरीबी हटाओ पे गुजार ली और लोगों को और गरीब कर दिया, और आज अति गरीबी में भारत 1% से भी कम आ गया है। हम नहीं बोल रहे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है कि इंडिया की गरीबी, अति गरीबी 1% से कम आ चुकी है। 80 करोड़ की जनता को आपके यहां 4 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिल रहा है, कोई भूखा नहीं सो रहा है। क्या ये बात हमको गांव में, बस्ती में, हर एक जगह बताने की आवश्यकता नहीं है? क्या हमको इसको नीचे तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी नहीं है? आप 12,000 रुपए किसानों को दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से शायद आपके यहां किसानों की संख्या किसान सम्मान निधि में 1 करोड़ है, यानी 6,000 प्रधानमंत्री जी का और 6,000 हमारे शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस जी का, 12,000 किसानों को मिल रहा है। क्या ये परिवर्तन नहीं है? और ये किस कारण से है? ये इस कारण से है कि ये सत्ता में है, इसलिए वो जब सत्ता में थे तो क्या हाल था वो भी आपको बताना पड़ेगा। ये सारी जो कमियां हैं, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को रोका, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। अभी मैं पढ़ रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि बाला साहब ने कहा था कि अगर मुझे कांग्रेस हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मुझे कांग्रेस पार्टी के साथ जाना पड़े तो उस दिन मैं शिवसेना बंद कर दूंगा। और सच में उन्होंने वो वाली तो बंद हो ही गई, अब तो वही शिवसेना है जिसके लिए बाला साहब खड़े थे। तो इस बात को भी हमको समझना चाहिए और जानना चाहिए और लोगों के सामने ये सारी बातें रखनी चाहिए। आज किस तरीके से हम लोग विकास के दृष्टि से आगे बढ़े हैं। अब आप बताइए, राहुल गांधी जी वीर सावरकर पर जिस तरीके की टिप्पणी करते हैं, क्या ये टिप्पणी करने के पश्चात ये टिप्पणी वीर सावरकर जी पर टिप्पणी है या महाराष्ट्र के स्वाभिमान पर टिप्पणी है?
देश के स्वाभिमान पर टिप्पणी है, राष्ट्रीयता पर टिप्पणी है, ऐसे लोग राजनेता बनकर के घूमने, मुझे कोई ठीक है वो प्रजातंत्र राज है, वो आए जाएं सब कुछ करें, लेकिन चीजों की गहराई तक इन सब चीजों को ले जाना हमारी जिम्मेवारी है। मैं दंग था, मैं देवेंद्र जी को पूछा करता, मैं इसलिए सब ये बातें आपको याद दिला रहा हूं कि दिन कैसे बदलते हैं उसको भी ध्यान में रखिए। मतलब एक पुलिस ऑफिसर पैसा इकट्ठा करने के लिए टेररिज्म का जोर दिखा करके जिस तरीके से उसने जो योजना बनाया था वो भी आपके सामने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप अंदाजे से समझिए। एक गृह मंत्री एक साल तक जेल में रहता है, एक अभी भी जेल में है, मंत्री से पूर्व मंत्री हो गया, कोई शर्म नहीं, कोई चिंता नहीं। और ये लोग राजनीति में हमसे प्रश्न खड़े करते हैं, ये लोग राजनीति की दृष्टि से हमारे साथ चर्चा में आते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ विकास के दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है, और उसमें हम सब लोग इस बात के लिए तय माने कि ऐसे लोगों को का पर्दाफाश करना, उनको नीचे चीजों को बताना, ये हमारी जिम्मेवारी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस काम को करेंगे और अपनी अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए पॉलिटिकल एजेंडा आप सेट करेंगे। मैं अपने कार्यकर्ताओं को देखता हूं, बहुत भोले हैं, बहुत अच्छे हैं, बाहरी प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और क्षणे तुष्टा। अरे आप करोड़ों लोगों के जीवन बदलने के माध्यम हो भाई, करोड़ों लोगों के। अगर आप में टिकाव नहीं होगा, अगर आप में धैर्य नहीं होगा, अगर आप में संयम नहीं होगा, अगर आप में दृष्टि नहीं होगी, अगर आप में दिशा नहीं होगी, तो हम कैसे नेतृत्व करेंगे? इसलिए दूसरों को देखना छोड़ो, अपना संबल बढ़ाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी योजना बढ़ाओ, अपनी दृष्टि बढ़ाओ, और बोलो यस, वी आर द एलिमेंट्स ऑफ चेंज, हम परिवर्तन के माध्यम हैं, हम लोगों ने परिवर्तन किया है, हम आगे भी करेंगे, और आने वाला कोई भी इलेक्शन महाराष्ट्र में जो होगा वो हम जीतेंगे, एनडीए जीतेगी, आगे बढ़ेगी, इस बात को आप साथ लेकर के चलो। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जब पहले कांग्रेस और समाजवादी मिले, बाद में मायावती और वो मिल गई, बोली बड़ा भारी कॉम्बिनेशन है, रामनाथ जी आप उस समय वहां पर थे, हमने कहा कि ये मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री हमारे साथ है, लोगों का जुड़ना हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आपको घर घर जाना पड़ेगा, आपको गांव गांव जाना पड़ेगा, आपको हर घर में जाकर दस्तक देनी पड़ेगी, और आपको उनकी बात सुनकर अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से रखना पड़ेगा। इसलिए जब आप ये इस काम को करेंगे, आपका अपना स्थान बढ़ेगा, आप पार्टी को भी आगे बढ़ाएंगे, आप उसके माध्यम बनेंगे। इसलिए अपना हम परिवर्तन करें, सोचें, समझें, ईश्वर ने बहुत समझ करके आपको ये जिम्मेवारी दी है, सबको मिलती नहीं है, यह भी आप समझिए। इसलिए हम वो प्रिविलेज लोग हैं जो परिवर्तन के माध्यम के कारण बनकर के यहां मौजूद हैं। आपके हाथों में महाराष्ट्र का भविष्य है, आप उसको संभाल के आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम